श्री रामलीला महासंघ के वार्षिक समारोह में नव निर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने पुरानी तहसील के सामने स्थित चौमुक्का पुल से टाउन हॉल तक जाने वाले मार्ग का नाम स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार के नाम पर की जाने की मांग को स्वीकार कर श्री रामलीला महासंघ को कृतार्थ किया। दिल्ली रोड स्थित ड्राइव इन 24 होटल में आयोजित श्री रामलीला महासंघ के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी एवं श्री रामलीला महासंघ के मुख्य संरक्षक एवं प्रमुख सलाहकार प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत सुझाव को स्वीकार कर नव निर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने रामलीला महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय कमलेश कुमार की स्मृति में चौमुक्का पुल से टाउन हॉल तक जाने वाले मार्ग का नाम स्वर्गीय कमलेश कुमार मार्ग घोषित किए जाने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही शीघ्र किए जाने हेतु श्री रामलीला महासंघ के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। शैलेंद्र अग्रवाल ने इस अवसर पर श्री रामलीला महासंघ के समस्त पदाधिकारियों को एक स्मृति चिन्ह महापौर एवं अध्यक्ष के कर कमलों से सभी पदाधिकारियों को प्रदान करते हुए निरंतर विभिन्न विधाओं में श्री रामलीला महासंघ के कार्यकलापों का वर्णन किया। श्री रामलीला महासंघ के महामंत्री कुमार देव ने श्री रामलीला महासंघ की स्थापना के इतिहास से वर्तमान स्थिति तक किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों वृक्षारोपण रक्तदान चाय वितरण खिचड़ी वितरण जाड़ों में लिहाफ तथा कंबल के वितरण से लेकर गरीबों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कन्याओं के विवाह के आयोजन वस्त्रदान एवं जन जागरूकता शिविर के विषय में सभी अतिथियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के संचालक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीयुत श्रीराम शर्मा ने श्री रामलीला महासंघ के सभी सदस्यों का अतिथियों से परिचय कराया। श्री रामलीला महासंघ के सभी सदस्यों ने पदाधिकारियों का आभार अभिव्यक्त किया। श्री रामलीला महासंघ में गत अनेक वर्षों से सक्रिय डॉक्टर प्रदीप शर्मा आनंद मोहन एडवोकेट एडवोकेट प्रभात गोयल एडवोकेट श्री राम शर्मा एडवोकेट अतुल सोती अनिल पाल एडवोकेट एडवोकेट संजय सोनी वीरेंद्र अरोड़ा राजू सैनी नितिन गुप्ता विपुल रस्तोगी अभिजीत अग्रवाल रजत गुप्ता रोहित आहूजा दीपक जैन पुलकित सरन सत्येंद्र अग्रवाल सिद्धार्थ अग्रवाल अमन गुप्ता मयंक अग्रवाल आदि को उनके द्वारा निरंतर की जाने वाली सक्रिय समाज सेवा के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने वाले लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो ट्रैफिक नियम पालन करना शुरू कर देते थे, वहां से निकलते ही ट्रैफिक का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लोग रेड लाइट पर रुकने लगे हैं, रुक रहे हैं ना, और धीरे धीरे आदत में आ जाएगी, तो इसके आने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, दूर नहीं पड़ेगा। जब अन्य छोटे छोटे शहरों में ये सब सिस्टम लागू हो गया तो क्या मुरादाबाद के लोग भी तो इस योग है कि वो भी नियमों का पालन करना चाहते हैं। तो यही चीजें हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, सड़क काम गिनाने का वक्त नहीं है, इलेक्शन में बहुत गिनाते हमारे आनंद गोभी बैठे वो समझ रहे हैं सारी चीज। पर बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि शहर आपका है और इस बार जाति धर्म मजहब पर उठकर लोगों ने पुनः आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत टफ लड़ाई थी, इसके बावजूद भी आपके सामने हूँ, फिर आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ, फिर काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। श्री विनोद अग्रवाल जी, बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी, छोटे भाई शैलेंद्र अग्रवाल जी और कुमार जी, हमारे रामलीला महासंघ के सभी सदस्यगण, आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम तय हुआ और मेयर साहब से वार्तालाप के बाद ये टाइम मिला आपका कि भाई चलो मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हालांकि पूजा में जाना था, उसके बाद भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन मेरे प्रार्थना पर मेरी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने रामलीला महासंघ के इस निमंत्रण को इस प्रार्थना को स्वीकार किया। रामलीला महासंघ लगातार बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है, मुरादाबाद की बहुत सारी संस्थाओं का ये मिलन है, यहाँ पर ये संगठन बहुत पुराना है, बहुत